Good morning students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 5. The name of the chapter is Matter and Chemical Formula. In this chapter we will discuss about the matter, what is matter, what are atoms and molecules, what are elements, compounds and mixtures. We will see the differences between elements, compound and mixtures. Then comes the topic atomicity, valency and radicals. फिर उसके बाद हम सीखेंगे केमिकल फार्मूला लिखना अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के, फिर केमिकल जो इक्वेशंस होते हैं अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के उसको बैलेंस कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ये सारे मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। सो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से जिसका नाम है मैटर। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, पेन, पेंसिल, चेयर, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, कैट्स, एनिमल, डॉग्स, कुछ भी हो सकता है, या हम एयर जो ब्रीथ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर होती हैं। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो जिसके पास कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, कुछ जगह को घेरे। अगर यहाँ पे हमने पेन रख दिया तो पेन इतने जगह को घेर चुका है और इसका अपना कुछ मास भी है, तो इस तरीके के सारी चीज़ों को हम मैटर बोलते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि हम ऐसा कोई भी चीज़ हो जिसको कि हम सेंस कर सकें अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं? जैसे हम जिसको स्मेल कर सकें, टेस्ट कर सकें, ठीक है, जिसको हम टच कर सकें, तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसके थ्रू अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंस कर पा रहे हैं तो दैट कम्स अंडर द टॉपिक मैटर। तो इसका डेफिनेशन बन जाता है एनी थिंग दैट हैज़ मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाई आवर सेंसेज इज कॉल्ड मैटर। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, वजन हो और वो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस को, जगह घेरता हो, एंड दैट कैन बी परसीव्ड बाई आवर सेंसेज, और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उसको सेंस कर सके। जैसे अगर कोई स्मेल है तो स्मेल को हम सेंस कर सकते हैं, कोई किसी चीज़ का टेस्ट है उसको भी हम सेंस कर सकते हैं अपने टंग के थ्रू। तो ये तीनों अगर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो वो क्या है, एक मैटर कहलाएगा। अब इस तरीके की चीज़ों की बात करें तो इसमें तीन कैटेगरी में मैटर्स को डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी है सॉलिड मैटर्स, दूसरा लिक्विड और थर्ड है गैस। सॉलिड्स में ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो जिसका एक डेफिनेट शेप एंड साइज है, और लिक्विड में वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनका कोई भी डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होता है। इनको जिस भी कंटेनर में डाला जाए वो उसी का शेप और साइज़ को एक्वायर कर लेते हैं। थर्ड सेम है गैस के लिए भी, इसका भी एक कोई डेफिनेट शेप एंड साइज़ नहीं होता है, और जितने जिस कंटेनर में इसको रखा जी उस कंटेनर को ये फुलफिल कर देता है, फिल कर देता है। तो इस तरीके से ये तीन कैटेगरीज में मैटर डिवाइड होते हैं। तो सॉलिड्स हम लोग देखते ही अपने आसपास, जैसे चेयर है, पेन है, प्लांट्स हो गए, सारे एनिमल्स हो गए, ये सारे क्या है, सॉलिड्स के कैटेगरी में आते हैं। लिक्विड्स में क्या क्या आता है, पानी हो गया, वाटर, मिल्क, जूस, हनी, ये सब क्या है, लिक्विड्स हो गया। और गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस हैं। अब बात आती है कि मैटर्स जो है वो बनते किससे हैं। तो मैटर बनता है एटम से। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का, उसका नाम है एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। तो एटम को हम बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो कि एक बुक है या फिर ये बोर्ड है, तो ये इतना बड़ा बोर्ड बना हुआ है छोटे छोटे एटम से मिलकर। अगर इसके इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो इस बोर्ड के जैसा ही बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से मिले, इकट्ठा हुए और एक बड़ा बोर्ड बना के तैयार कर दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो उस एटम का और इस बोर्ड का दोनों का सेम होगा। अच्छा, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं इसको, एटम्स को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं किसी भी सब्सटेंस का? ऐसा इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि वही जो सबसे छोटा इकाई होता है जो मिल के एक बड़े किसी भी ऑब्जेक्ट को तैयार करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमको ईंट लगेगी, उसमें छोटे छोटे ईंट को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे
तो वो एक पूरा का पूरा घर तैयार कर देगा। तो अब अगर एक सब्सटेंस है पूरा का पूरा मकान, इस मकान को अगर बोलते हैं ये एक सब्सटेंस है, तो ये पूरा का पूरा सब्सटेंस जो है वो किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है छोटे छोटे ईंट से। इसमें छोटे छोटे ईंट लगे होंगे, तो ये ईंट जो है ये क्या कह सकते हैं कि इस मकान के लिए किस किसका काम कर रहा है? एटम का काम कर रहा है। मतलब कि इस मकान को बनाने के लिए जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है? एक ब्रिक है। ठीक है, तो अब ये ब्रिक्स को हम लोग कंपाइल करते गए, इकट्ठा करते गए, एक के ऊपर एक एक अरेंज्ड मैनर में रखते गए, तो एक मकान तैयार हो गया। ठीक उसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस जो है वो अब किससे बना होता है? सेल्स से। तो सेल्स को भी, सेल्स का भी अरेंजमेंट होता है, एक सेल्स का दूसरे सेल्स के साथ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, जिससे मिलके वो एक पूरा का पूरा मैटर को तैयार कर देता है। जिस तरीके से ये छोटे छोटे ईंटों को मिला के एक पूरा मकान बनाते हैं, उसी तरीके से ढेर सारे सेल्स को मिला के एक कोई भी मैटर या सब्सटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे छोटी इकाई है किसी भी सब्सटेंस का, उसको बोलते हैं एटम। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन नॉट बी सीन बाई अनएडेड आइज, बिना किसी माइक्रोस्कोप के मदद के हम एटम्स को नहीं देख सकते। अगर सिर्फ हम ऐसे करके सामने से अगर किसी भी एटम्स को देखना चाहें तो वो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप की। थर्ड पॉइंट है, एटम्स आर टाइटली पैक्ड इन सॉलिड्स एंड लूजली पैक्ड इन लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में जो एटम्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कस के जुड़े होते हैं, लेकिन लिक्विड एंड गैसेस में ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से वो कस के जुड़े नहीं होते हैं। यही वजह है कि लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं वो किसी भी कंटेनर में रखने पे उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं, और अगर सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है। क्यों? क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होता है। लिक्विड को अगर हम फर्श पे गिरा दें तो वो पूरा का तो पूरी तरीके से फैल जाता है, लेकिन अगर किसी सॉलिड पार्टिकल को फर्श पे फैलाएं तो वो क्या फैलेगा? नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्ट जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड हैं। ऑन द अदर हैंड लिक्विड और गैसेस के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए अगर गैस है तो एक कमरे में अगर कोई गैस लीक करता है तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है। सेम उसी तरीके से लिक्विड भी अगर है फर्श पे गिरा दे तो वो फैल जाता है। तो ये थे मैटर और मैटर की डेफिनेशन, एटम्स एटम्स का डेफिनेशन, एटम की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा कैसा वो दिखता है, किस उसके अंदर और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं।